टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कार्यशाला में निर्णय लिया गया है कि कोरोना से बचाव के हर संभव कोशिश करनी है, बाजार भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे रहना है और मुंह पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना अनिवार्य है। बाहर से आने वाले यात्रियों को अपनी जांच करानी अनिवार्य होगी। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसकी सूचना आसपास के लोगों की जवाबदारी है, इससे संक्रमित होने का खतरा नहीं रहेगा। SDM सौरभ मिश्रा ने बताया है कि हम सबको मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का पालन करना जरूरी है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे ने समस्त मीडिया से जागरूक करने के लिए कहा और मीडिया के माध्यम से सतर्क रहने के लिए भी कहा। जी, अभी जो कार्यशाला हुई है कोविड 19 के संबंध, वायरस के संबंध में, ये वायरस अब फिर से फैलने लगा है। पहले भी से भी कुछ ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे अच्छा उपाय मास्क लगा कर रखना है और सामने वाले को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना है। घर में भी सभी लोग मास्क लगा के रखें, बाहर कम से कम निकलें, बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकलें। और अगर इसके लक्षण कुछ थोड़ा सा भी आभास होता है, लगता है कि हल्का सा बुखार आ रहा है या गले में खराश हो रही है, हल्की सी खांसी आ रही है, तो निश्चित रूप से आप हाफ सूंघना शुरू कर दें उसी दिन से ही। ये वायरस व्यक्ति जो हैं ये भाप से ही सबसे जल्दी मरते हैं। जैसी भाप अंदर जाती है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नाक से ही होता है, तो नाक से और मुंह से भाप जरूर सूंघें और हल्का कुनकुना गर्म पानी में नींबू डाल करके उससे भी गरारे करें, या अगर ओकटिन नाम का आता है ये गार्गल, वो डाल के करें, तो निश्चित रूप से ये वायरस ख़त्म होंगे तो उसका इन्फेक्शन होगा, बहुत कम हो जाएगा। शहरवासियों के लिए सबसे बड़ा संदेश है, हर कोई जानता है वैसे, कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, इकट्ठी भीड़ में ना जाएं कहीं, और मास्क ज़रूर लगा के रखें और सैनिटाइज़र का ज़रूर उपयोग करें। इससे क्या है कि वायरस एक दूसरे से नहीं फैलेगा। सोशल डिस्टेंस इसलिए अपन रखते हैं कि ये कुछ सांस लेने में या छींकने से या खांसने से वायरस जैसी हवा में आता है वो कुछ दूरी तक ही जीवित रह पाता है, कुछ दूरी लगभग 2 मीटर, इसके बाद फिर वो निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए सोशल डिस्टेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। क्लोज कॉन्टैक्ट में आने में एक दूसरे को इन्फेक्शन पहुंचने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मास्क लगा के रखना चाहिए। मास्क, फेस मास्क, वो भी अच्छी क्वालिटी का हो, ट्रिपल लेयर्ड मास्क हो तो और अच्छा है, उससे बैक्टीरिया वो वायरस पास नहीं होते हैं। टीकमगढ़ से क्रिस जैन की रिपोर्ट।